बताइए पिताश्री, सबसे पहले आपके इस बेटी का, इस लाडो का आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम स्वीकार करें। इस अभिवादन के बदले क्या कोई आशीर्वाद भी मांगेगी बेटी? कैसी बातें करते हो पिताश्री, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, अपनी इच्छा से दिया जाता है। आज आप अपनी इच्छा से मुझे जो भी आशीर्वाद दोगे वो मुझे मंजूर होगा। लाजवंती, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेरे पिता के पास आज कोई आशीर्वाद नहीं है। क्या आपके चेहरे पर उदासी? बेटी, मैं इस समय भारी संकट से जूझ रहा हूं और इस संकट में अगर मेरा कोई संकट मोचन बन सकता है तो वो केवल तुम हो। लाडो, मैं इस वक्त तेरा पिता बन के तेरे पास नहीं आया बल्कि एक याचक बन के आया हूं। क्या? हे बेटी, तू एक अच्छे और उच्च घराने की बेटी है और भले घराने के अंदर तेरी शादी हुई है, धर्म और अधर्म का तुझे ज्ञान है, अपने और पराए की तुझे पहचान है। लाडो, अपने इस धर्म की पिता की लाज रखना। हे पिताश्री, और अगर तुम मेरी भी लाज नहीं रख पाए तो मेरे सिर पे जो ये पगड़ी बंधी हुई है, इस पगड़ी के ही कारण लोग मुझे राजा मानते हैं। मेरी नहीं तो इस पगड़ी की लाज जरूर बचाना बेटी। आखिर बात क्या है पिताश्री, आप कहिए तो सही। अगर आप मेरी जान भी मांगोगे तो मैं हंसते हंसते अपनी जान भी आपके कदमों में धर दूंगी। बेटी, मैं तेरी जान मांगने नहीं आया, आया तो मैं कुछ मांगने ही हूं पर तेरी जान मांगने नहीं आया। और जो मैं मांगने के लिए आया हूं उसे मैं एक साथ नहीं कह सकता, हां टुकड़े टुकड़े में बारी बारी से बताने का प्रयत्न करूंगा। आप बेखटके से कहिए पिताश्री। तू याद रख दे मेरी लाज से, तू दया रख दे मेरी लाज से। अच्छा? क्योंकि मैं तेरे पाया मैं या धरूं ताज से। आप ये क्या कर रहे हो पिताश्री? तेरे पाया मैं धर दिया ताज से, पाप की बारू बेटी मैं बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरू ताज से, आज रख दे मेरी लाज से।
तू पेटी में बाप तेरे पाया में धरूं राज से तेरे पाया में धरूं ताज से